अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम जनरल साइंस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इसको स्टडी करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डाइजेशन और एसिमिलेशन। डाइजेशन खुराक के अज़ा को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने या तकसीम करने का अमल है। डाइजेशन यानी डाइजेस्ट हो जाना, डाइजेस्ट हो जाना यानी हजम हो जाना, जिस्म का हिस्सा बन जाना। तो खुराक अगर अपने पार्टिकल्स में टूट रही है तो वो जो है एनाबोलिक कैटाबोलिक एक्टिविटी हो रही है उसके अंदर, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं, जिसमें खुराक के अज़ा को उनकी इकाइयों में तब्दील किया जाता है, जबकि इन अज़ा का जिसम जज्ब होकर जुज़्वे बदन बनना एसिमिलेशन कहलाता है। वो मॉलिक्यूल्स जो टूटे हैं खुराक के, जो डाइजेस्ट हुए हैं, उनको अब उनका जो है वो बॉडी का पार्ट बन जाना, बॉडी का हिस्सा बन जाना, यानी जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मिल जाना। प्रोटीन है तो प्रोटीन हमारी बॉडी की जिस ऑर्गन को चाहिए होगी उसको प्रोटीन मिल जाना, और जो है वो अब खुराक के पार्टिकल्स जो थे वो कैटाबॉलिक एक्टिविटी के तहत टूटे। कैटाबॉलिज्म आपने पढ़ा है कि ऐसा अमल है जिसमें जो है खुराक के बड़े मॉलिक्यूल जो है या बड़े मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स टूट के जो है वो बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। डाइजेशन खुराक के बड़े मॉलिक्यूल मसलन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को उनके साथ अज़ा में तकसीम करना या तोड़ना है, जो कि जानदार बाद में ज़रूरी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हाजमे के प्रोडक्ट्स जानवरों के सेल में जज़ब हो जाते हैं और नया प्रोटोप्लाज्म बनाने या एनर्जी मुहैया करने में इस्तेमाल होते हैं। तो जी, इस तरह से डाइजेशन था, डाइजेशन हुई पहले, सबसे पहले खुराक जो है मुँह के अंदर गई, वहाँ से मैदे तक पहुँची, वहाँ से दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलकर उसकी डाइजेशन हुई। डाइजेशन से जो है वो खुराक हमारी बॉडी के डिफरेंट बड़े पार्टिकल्स में टूट गई, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह में। अब वो पार्ट जो है वो जहाँ बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसका वो जो है बॉडी का हिस्सा जाना इन पार्टिकल्स का एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये आपको दोनों टॉपिक यहां समझ आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है जी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है जी? कार्बोहाइड्रेट हासिल करने के लिए गंदम, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा या इनसे बनी हुई अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट के हाजमे के हतमी हासिल सादा शुगर्स मसलन ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं और रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी के हसूल का जरिया बनते हैं। ये थ्रू आउट कार्बोहाइड्रेट जो है हमें इन अज़ा से मिल रही है, गंदम, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, ठीक है, इनसे हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट। ये तो टूट जाती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का बेहतरीन जरिया है। 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट वाली गजा खाने से हमारे जिस्म में को 3.8 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल होती है। किलो कैलोरीज, कैलोरीज आपको पता है कि एनर्जी मेजर करने का यूनिट है। ये खुराक हासिल करने का सबसे सस्ता जरिया है और आसानी से जिस्म को एनर्जी पहुंचाते हैं। अगर जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की ज्यादती हो जाए तो ये जिगर और मसल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाते हैं। ग्लाइकोजन क्या है जी? ग्लाइकोजन ऐसा जो है वो, तो अगर जिसम की वो कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा हो जाए तो ये जिगर और मसल्स में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाता है और इससे मसल्स वगैरह बनना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो है फैट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फैट्स मेटाबॉलिज्म। हमें फैट्स वो दो तरह से हासिल होते हैं, एक हैवानी जरिया मसलन घी, मक्खन, बलाई, चर्बी वाला गोश्त और मछली का तेल। दूसरा नबाताती जरिया यानी प्लांट से हासिल करते हैं, मसलन सरसों, जैतून, नारियल, मकई, सोयाबीन, बनोला, सूरजमुखी और मूंगफली वगैरह। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास, एक हम जानवरों से हासिल करते हैं, दूसरा हम प्लांट से हासिल करते हैं। फैट्स के हाजमे का हतमी हासिल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं, ये छोटी आंत में हजम और जज्ब होते हैं। फालतू चिकनाई या फैट्स जिसम के फैट जखीरा करने वाले टिश्यूज में स्टोर हो जाते हैं, जिन्हें एडिपोज टिश्यू कहते हैं। आपके पास एमसीक्यूज की लाइन भी आती है ये वाली, अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है कि फैट्स जमा करने वाले, जो फैट स्टोर करने वाले जो चीज़ें होती हैं वो टिश्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आगे ऑप्शन दी जाएगी आपको, तो उसमें जो एडिपोज होगा वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो फैट्स को स्टोर करते हैं। शदीद भूख की सूरत में जब जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो रेस्पिरेशन के अमल में ग्लूकोज की बजाय फैट इस्तेमाल होते हैं, तो ये उसका मुतबादल यूज था। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जी। आगे हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के हाजमे का अमल मैदे में शुरू होता है, ये भी एमसीक्यूज की एक लाइन है कि प्रोटीन के हाजमे का अमल शुरू होता है डैश से, तो वो आ जाएगा इसके अंदर जी मैदा। गैर हजमशुदा प्रोटीन एंजाइम्स के जरिए हजम होकर अमीनो एसिड में तब्दील हो जाती है। अमीनो एसिड मुख्तलिफ किस्म की नई प्रोटीन्स बनाने में के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की कमी की सूरत में एनर्जी मुहैया करने का वसीला बनते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि एसिमिलेशन, डाइजेशन और एसिमिलेशन कैसे होती है बॉडी के अंदर, फिर जो है वो खुराक टूटती है तो उनके कंपाउंड जो है जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये किस तरह से जिस्म में जो है वो हल होते हैं और किस तरह जिस्म का हिस्सा बनते हैं और ये हमारे क्या काम आते हैं, ये आज के टॉपिक में हमने इसको पढ़ा।
जी हमारा अगला टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं जी? कैटलिस्ट से मुराद वो शय है जो कीमियाई तौर पर अपनी हालत में तब्दीली लाए बगैर किसी केमिकल रिएक्शन को तब्दील या इसकी रफ्तार में इजाफा कर दे। तो कोई भी जो कैटलिस्ट है वो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या करता है कि अपनी हालत को तब्दील किए बगैर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसकी रफ्तार में इजाफा कर देता है। ये डेफिनेशन होगी कैटलिस्ट की। एंजाइम बायोकेमिकल तामुलात में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। सो हमारे पास एंजाइम्स की डेफिनेशन आ गई बच्चों कि एंजाइम्स वो चीज़ है जो बायोकेमिकल तामुलात में यानी बायोकेमिकल रिएक्शन में बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। किस तरह से इस्तेमाल होता है कि अपनी हालत को तब्दील नहीं करता और रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और अपने नेचर में प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मुख्तलिफ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस को तेज कर देते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस आपने पढ़ा है, कैटाबॉलिक रिएक्शन तकरीबी रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शन है जिसके अंदर तमाम जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं बड़ा मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। एंजाइम नहायत ही कलील मकदार में दरकार होते हैं। ये अपने अमल में मखसूस होते हैं यानी हर अमल जो है हर एंजाइम है वो अपना खास अमल करेगा। कोई भी एंजाइम किसी दूसरे प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं होगा यानी हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। मसलन अमाइलेज स्टार्च पर अमल करता है। अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि स्टार्च पर अमल करता है। ये प्रोटीन और फैट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम अमल करता है सब्सट्रेट कहलाती है यानी वो अशिया जिस पर काम हो रहा है या जिस पर कोई एंजाइम रिएक्ट कर रहा है वो क्या है सब्सट्रेट है। किसी भी एंजाइम का मखसूस होना उसकी मखसूस शक्ल की बदौलत होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको एग्जांपल दें कि एक जो से लॉक होता है उसको खोलने के लिए स्पेसिफिक की ही चाहिए होती है। कोई भी एक ताला जो है वो हर चाबी से नहीं खुल सकता। तो इसी तरह हर एंजाइम जो है वो फिट होता है सिर्फ एक ही रिएक्शन के लिए, वो हर रिएक्शन के अंदर फिट नहीं हो सकता। कुछ एंजाइम्स को कैटाबॉलिक प्रोसेस की दाई के लिए दूसरे कंपाउंड की जरूरत होती है जैसे जिन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोएंजाइम्स को कैटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए पूरा करने के लिए दूसरे कंपाउंड की भी जरूरत होती है यानी वो अकेले नहीं कर सकते, जिन्हें कोएंजाइम्स कहते हैं। कोएंजाइम्स नॉन प्रोटीन मादे होते हैं। आपको पता है एंजाइम जो यूज हो रहे हैं वो प्रोटीन मादे हैं और जो कोएंजाइम यूज हो रहा होगा वो नॉन प्रोटीन मादे हैं। रोजमर्रा जिंदगी में एंजाइम्स का किरदार, तो रोजमर्रा जिंदगी हमारी डेली लाइफ के अंदर एंजाइम्स का क्या किरदार है जी? एंजाइम्स की हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहमियत है। एंजाइम्स केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बेहद मुफीद साबित होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री जहाँ केमिकल वगैरह बनाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं जहाँ पे मेडिसिन तैयार करते हैं, हम मेडिसिन बनाई जाती हैं। ये पनीर की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। फूड प्रोसेसिंग की सनत में इनका इस्तेमाल बहुत आम है। फूड प्रोसेसिंग ये फूड को स्टोर करना, फूड को जो है वो सेव करना, उसके अंदर जो है वो हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। पापेन एंजाइम्स पपाया के पौधे से हासिल किया जाता है। ये गोश्त को नरम करने के काम आता है। तो ये थे एंजाइम्स के यूजेस। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी तरह से जाना है जनरल साइंस के बारे में, कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।